ब्रॉड टू यू बाई टेक्नो स्पार्क ट्वेंटी सीरीज स्मार्टफोन नहीं मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि मुझे टिकट मिल गया। <laughs> वो भी बंगाल से टिकट मिल गया बहुत सरप्राइज था मे भी। आई में बिजी है बहुत ही टाइट स्केडूल है उनका लेकिन जरूर जो कभी उनको वक्त मिलेगा जो उनको थोड़ा वक्त देगा मेरे लिए वो तो ज़रूर आएंगे और वो बिल्कुल आना भी चाहते हैं लेकिन इतना बिजी शेड्यूल है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कब आए मुझे पॉलिटिक्स करना भी नहीं आता और पॉलिटिक्स कभी सीखा भी नहीं लेकिन ये चीज़ है कि जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो दो तीन दिन लगाया उसके बाद सोचा तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया नमस्ते इस वक्त हम बरहमपुर सीट पर मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ इंडियन क्रिकेट टीम के सुपरस्टार यूसुफ पठान और अब चुनावी मैदान में अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाने के लिए उतरे हुए हैं यूसुफ भाई बहुत स्वागत है आपका कैसा चल रहा है कैंपेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा चल रहा है कैंपेन और काफ़ी वक्त गुजारा जा रहा है लोगों के बीच में तो अच्छा लग रहा है लोगों की जो बातें हैं और जो एनर्जी है उनका उत्साह देख के काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ और जी अच्छा तो ये बताइए क्रिकेट के मैदान में तो जो जलवा था आपका कि यूसुफ पठान आते थे, थे पब्लिक वेट करती थी कि हाँ अब लंबे लंबे छक्के लगने हैं तो वो जोश पब्लिक में दिख रहा है इसको वोट में तब्दील करने के लिए आप क्या कर रहे हैं बिल्कुल देखिए वो जो जोश है अभी भी लोगों में दिख रहा है और ये मैंने फ़ील किया है उनकी आंखों में देख के उनकी जो एनर्जी है उ, उसको देख के उनके चेहरे को पढ़ के मैंने ये फील किया है कि इन वो ज़रूर वोट देंगे और वो बदलाव चाहते हैं और वो जो इतने टाइम में जो चीज़ें नहीं हुई है उनके लिए वो चाहते हैं कि मैं आके उनके लिए वो काम करूँ तो वो वो चीज़ मैं देख रहा हूँ और बहुत पॉजिटिव हूँ उस चीज़ के लिए और लोग भी बहुत पॉजिटिव है अच्छा अच्छा यूसुफ भाई ये बताइए हर गेम की लर्निंग्स होती है आप लोग जब क्रिकेट खेला करते थे एक्टिवली तो डिस्कशन भी हुआ करते था आफ्टर मैच की क्या सही है क्या नहीं गया पॉलिटिक्स की क्या लर्निंग अभी तक मिली है अब मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि बीइंग अ क्रिकेटर उसके बावजूद भी आप सुबह निकलते हैं रात के ग्यारह ग्यारह बजे तक आते हैं बारह बजे तक लौटते हैं आप कैंपेन करके क्या लर्निंग्स मिल रही हैं आपको देखिए मैं शुरुआत से ही आ, मुझे सुनना बहुत पसंद है जब भी मैं बैठता था फैमिली में या कहीं पे भी बैठता हूँ मैं लोगों के बीच में तो मुझे जब लोग बात करते हैं तो सुनना बहुत पसंद है वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ अपने आप को सुन रहा हूँ देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ हो सकती है और जितना आप सुनते हो उतना आप अच्छे डिसीज़न ले सकते हो तो आ, ये बात ज़रूर है कि ये फील्ड थोड़ी अलग है लेकिन जब मेरे साथ जो घूम रहे जो लड़के भी हैं तो मैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ कि क्या होना चाहिए आज हम लोग यहाँ पर गए हैं तो यहाँ का जो माहौल है और यहाँ पर क्या दिक्कत है तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ और उसके बाद डिसाइड करते कि उनको पॉइंट दिए हुए मैंने कि ये पॉइंट लिख के रखिए जब हम लोग जीत जाएंगे यहाँ से तो फिर हम लोग को इस पर काम करना है तो मतलब कैंपेन भी कर रहे हैं और जीतने के बाद क्या करना है ये भी इसकी भी तैयारी होने लगी है ताकि पहले दिन से काम का असर दिखे तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है तो यूसुफ भाई ये बताइए टिकट मिला आपको तो हम लोगों के लिए तो ये थोड़ी सी हैरानी थी कि अरे यूसुफ भाई उनको टिकट मिल गया कैसे आपको टिकट मिला ममता दीदी से कोई बात हुई थी क्या हुआ था ममता दीदी को लेकर क्या कहेंगे आप कैसी नेता आप देखते हैं नहीं मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि मुझे टिकट मिल गया <laughs> वो भी बंगाल से टिकट मिल गया नहीं। नहीं। बहुत सरप्राइज था मे भी <laughs> <laughs> बहुत लोग सरप्राइज थे और मेरे ख्याल से जो मेरा अंदाज रहा है क्रिकेट में भी जो खेलने के टाइम पे तो टीमें भी सरप्राइज होती थी और लोग भी सरप्राइज होते थे कि यार ये मैच हारते हारते जीत गए तो ऐसे कैसे हुआ तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी यही अंदाज़ से खेला हूँ <laughs> इंटरनेशनल में भी यही खेला हूँ आई भी इसी अंदाज में खेला हूँ <laughs> देवदर ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी सारे जहाँ पे भी खेला हूँ ऐसे मौके आते थे कि यार मैच हार रहे और मैं बैटिंग में गया और मैच जीत गया तो लोग सरप्राइज़ होते थे टीमें भी सरप्राइज़ होती थी कि यार हमने तो देखा था तो यहाँ पे इतनी विकेट गिर गई थी और ये आके मैच जीता गया तो सरप्राइज़ में भी था लेकिन ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था जब मुझे ये अनाउंस हुआ था दस तारीख को मेरे ख्याल से उससे एक एक हफ्ते पहले या पाँच दिन पहले मुझे ये ऑफर दिया गया और मैंने दो से तीन दिन लगाए इसके पीछे कि भाई क्या करना चाहिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो है नहीं और कभी मैंने मुझे पॉलिटिक्स करना भी नहीं आता और पॉलिटिक्स कभी सीखा भी नहीं लेकिन ये चीज़ है कि जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो दो तीन दिन लगाया उसके बाद सोचा उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया तो और ममता ममता बनर्जी के बारे में तो मैं 2011 से यहाँ पे आ रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे तो उनके बारे में हमेशा सुनता था कि वो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है यहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत आ, काम हो रहे कि लड़कियों के एजुकेशन के लिए और यहाँ पे एक रिवाज भी है कि भई लड़की बारह पास हो गई तो उसकी शादी कर दी जाती थी तो वो उनको डिले करने के लिए एक उन्होंने स्कीम भी चलाई कि भाई लड़की और पढ़ाई और करे तो उनको एक पढ़ाई करने के लिए एक अमाउंट भी दिया जाता है तो ये सारी चीज़ें मैं वो टाइम पे सोच सुनता था और हर साल आता था तो आ, कुछ ना कुछ नया देखता था और डेवलपमेंट की बात जो होती थी तो वो देखने भी मिलता था 2014 में मैं उनसे मिला था जब हम लोग पहली बार आई जीते थे वो दौरान भी कुछ बातें हुई थी थोड़ी तो उस तरह से मैं उनको जानता हूँ और ये ममता बनर्जी जो लीडर है अभी हिंदुस्तान में एक ऐसी सी एम है जो तीन बार की सी एम है और उससे पहले भी कई दफ़े वो आ, ग्रास, रू, ग्रास रूट ग्रास रूट पे काम करती हुई नज़र आई है तो एक बहुत बहुत ही निडर और बहुत ही अच्छी लीडर है जो सोसाइटी के बारे में सोचती है लड़कियों के बारे में सोचती है समाज के जो औरतें हैं पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके बारे में सोचती है और वो सिर्फ सोचती नहीं है वो काम भी करती है तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी और मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी लीडर है ओके okay. तो पी मटेरियल के तौर पर भी देखते हैं आपकी प्रधानमंत्री अगर ममता दीदी जैसी नेतृत्व तो में अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो फिर एक बड़ा रिवोल्यूशन एक बड़ा चेंज जो बंगाल में आप कह रहे हैं देखने को मिल रहा है वो देश में भी नहीं ऑब्वियसली बिल्कुल देखिए एक लीडर जब लोगों के बारे में सोचता है और ममता बनर्जी जैसी जो लीडर है जो लोगों के बारे में सोचती है यहाँ के अब बंगाल में डेवलपमेंट देखिए लड़कियों के लड़कियों के अंदर डेवलपमेंट दी थी यहाँ पर एजुकेशन देखिए उनके बीच जो एजुकेशन के पीछे काम हुआ है मेडिकल यहाँ पर देखिए तो ये बहुत अच्छी अच्छी बात होती है एक लीडर की जो लोगों के बारे में सोचता है और ऑब्वियसली जब हिंदुस्तान के लिए अगर कोई ऐसी लीडर मिले तो जाहिर है कि लोगों के लिए काम होगा यूसुफ भाई मेरे पास आखिरी दो सवाल हैं बस मैं दो सवाल लेना है एक तो ये जनता का सवाल है लोग पूछ रहे हैं कि आपके भाई आएंगे क्या इस सीट पर प्रचार करने के लिए उनको देखने को मिलेगा उनसे बात करने का मौका मिलेगा क्या नहीं देखिए ज़रूर मिलेगा अभी नहीं तो बाद में भी देखने मिलेगा लेकिन अभी इरफान भाई जो है आई में बिजी हाँ। है बहुत ही टाइट स्कीड्यूल है उनका लेकिन ज़रूर जो कभी उनको वक्त मिलेगा स्टार जो उनको थोड़ा वक्त देगा मेरे लिए तो वो जरूर आएंगे और वो बिल्कुल आना भी चाहते हैं है। लेकिन इतना बिजी स्केड्यूल है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कब आए घर में लेकिन घर तो वाले ठीक है यार बोले <laughs> लेकिन हाँ एक्साइटमेंट तो है एक नई चीज कर रहा हूँ मैं और लोगों के लिए मैं काम करने वाला हूँ और हमारे फैमिली में हमेशा ये हमें सिखाया गया है हम, हमारे बड़ों ने कि भाई आपके पास अगर पावर है और अगर आपके पास कुछ है लोगों को लोगों को देने के लिए हुँ. तो ज़रूर आप देना चाहिए तो फादर साहब भी काफ़ी एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए ओके okay. एक आखिरी सवाल आ, डेथ ओवर में जब बल्लेबाज बैटिंग करने आता है तो प्रेशर ये होता है कि रन बनाओ बॉलर के ऊपर प्रेशर रहता है कि रन कम देना तो ये जो पॉलिटिक्स का जो डेथ ओवर है कि बिल्कुल अब बिल्कुल इतने करीब हैं कि आने वाले दिनों में अभी नॉमिनेशनस एंड ऑल सब हो जाएगा लोगों से अब बिल्कुल आखिरी चरण में है तो वो प्रेशर फील कर रहा है यूसुफ पठान या वो लंबे लंबे छक्के जिस तरह से लगाए वैसे ही यहाँ पॉलिटिक्स में भी यही होगा कि अपने अंदाज़ में पॉलिटिक्स करूँगा चाहे जो हो जाए नहीं बिल्कुल भी प्रेशर क्यों फ़ील करना है आपके आरे. पास अगर जैसा कि आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है हुँ. कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आप डेट ओवर हो या नया बॉल खेल रहे हो या पुराना बॉल खेल रहे हो तो आपका अंदाज़ यही रहता है कि मुझे पता है मेरी गेम क्या है और मैं क्या अपनी टीम के लिए डिलीवर कर सकता हूँ तो वही अंदाज़ से यहाँ पे भी खेलूँगा मुझे पता है कि लोगों के लिए क्या काम करना है यहाँ पे और लोग क्या चाहते हैं तो मैं बहुत ही ईजिली वो चीज़ कर सकता हूँ और डिलीवर कर सकता हूँ अच्छा यूसुफ भाई एक आखिरी सवाल बस आपसे यहाँ सीट पर जो अभी सेटिंग एम पी हैं अधीर दा तो अधीर दा, पुराने पॉलिटिशियन है यहाँ पे पांच बार से जीत चुके हैं छठे बार है उनसे उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यूसुफ़ के ख़िलाफ़ ताकत लगानी पड़ी तो ताकत लगाऊंगा मैं तो आपका क्या कहना है आपको आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी भी जो टक्कर है वो सीधे मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो पाँच बार से जीत रहा है उस पर कुछ कहेंगे आप नहीं बिल्कुल भी नहीं देखिए सीनियर लीडर है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर लीडर का रिस्पेक्ट करता हूँ उन्होंने और जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और जो ममता दीदी ने जो अपॉर्चुनिटी दी है मुझे लोगों को सर्व करने के लिए तो मैं बिल्कुल आ, मैदान में हूँ और मैदान में जो उतरता है वो बिल्कुल तैयार होता है आ, जो भी सिचुएशन हो तो मैं भी तैयार हूँ ठीक है तो आई विश यू लक यूसुफ़ भाई की आप अच्छे से चुनाव लड़े आप जीत कर आते हैं तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि आप जनता की सेवा भी करें खूब नहीं इन बिल्कुल वो वो करता रहूँगा मैं और जो मेरी टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है वो भी बहुत मेहनत कर रही है उन्होंने भी बहुत लोकल जो ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किए अच्छे काम किए साथ साथ में जो हमारी बड़ी लीडर है ममता बनर्जी ने उन्होंने तो काफ़ी काम किए तो वो सारी चीज़ें मुझे हेल्प भी करेगी इन और मुझे आसानी भी होगी लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत काम करना है ठीक है तो जैसा कि यूसुफ पढ़ान बता रहे थे कि देखिए मैं प्रेशर में तो नहीं आने वाला हूँ जो अंदाज है मेरा वही रहेगा और दूसरी बात जो जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि ममता बनर्जी से सीधा संपर्क है जीत गया तो काम जो है उसकी रफ्तार डबल हो जाएगी